अब प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी ने जो तय किया उस समय 530 करोड़ से कम 523 करोड़ रुपए का एक राफेल जेट फाइटर, एक राफेल जेट फाइटर 523 करोड़, और ये कॉन्ट्रैक्ट करार बिल्कुल फाइनल था, जिसका हर पन्ने पे इनिशियल हो चुके थे। केवल उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त की विभाग की और जो सीएनसी के अंदर जो फाइनेंस विंग था उनको कुछ उसमें शंकाएं थी, जिसका निवारण हुआ। 126 जहाज हिंदुस्तान को खरीदने थे, L1 राफेल था, डसॉल्ट था, और L2 यूरोफाइटर टाइफून था। इसके साथ साथ दो मुख्य बातें और थी, 18 जहाज भारत को रेडी टू फ्लाई कंडीशन में पूरी रूप से तैयार, जो कल ही वायुसेना इस्तेमाल कर सके वो मिलने थे, 108 भारत देश में बनने थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के पास आती सरकार के माध्यम से, और वो TOT जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और भारत में उसका निर्माण वो HAL को, जो डिफेंस की PSU है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, देश में एक ही कंपनी है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जिसको अनुभव है लड़ाकू विमान बनाने का, हेलीकॉप्टर बनाने का, वो HAL। और HAL का एक लंबा इतिहास भी है, फ्रांस की डसॉल्ट के साथ, EADS के साथ काम करने का, क्योंकि भारत के पास जो लड़ाकू विमान है उसमें जगुआर भी है और मिराज भी है। जगुआर और मिराज दोनों फ्रांस के बने हुए फाइटर जेट्स हैं, उनकी भी असेंबली लाइंस HAL के पास है। तो जाहिर है कि HAL को ये मिलना था, ये कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर का हिस्सा था, और डेसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाती है उसका और HAL का समझौता हो चुका था। परसों वित्त मंत्री ने कुछ प्रश्न उठाए, अच्छा किया उन्होंने ये सवाल किए, उससे प्रधानमंत्री की गलती बेनकाब होती है। जिस देश की सुरक्षा के लिए 126 जहाज चाहिए थे, वित्त मंत्री का कहना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि कांग्रेस विलंब करके समझौता कर रही है देश की सुरक्षा से। देश की सुरक्षा से समझौता माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं किया जब 126 से घटाकर 36 कर दिए। वायुसेना की जरूरत 126 की थी, हमको जवाब चाहिए कि 36 का आंकड़ा किसने दिया, भारत की वायुसेना ने नहीं दिया। दूसरा प्रश्न है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो चुका था, ये सवाल है मेरा दूसरा, क्या वो ग्लोबल टेंडर रद्द किया गया था, क्या पहले कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया था प्रधानमंत्री के 10 अप्रैल 2015 को पेरिस में बातचीत से पहले। तीसरा प्रश्न, 8 अप्रैल को उस समय के विदेश सचिव जयशंकर और उस समय के रक्षा मंत्री ने कहा प्रश्न के उत्तर में पत्रकार वार्ता में कि प्रधानमंत्री फ्रांस में कोई राफेल जहाज खरीदने की बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, अंग्रेजी में कहा था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट ट्रेवल अब्रॉड टू नेगोशिएट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड। पर 10 तारीख को सारी बात बदल गई। इसका मतलब एक कि ना विदेश सचिव को मालूम था, ना उस समय के रक्षा मंत्री को मालूम था, देश में किसी को मालूम नहीं था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर खुद कोई फैसला नहीं कर सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री खुद कोई फैसला नहीं कर सकते, उनको भी कोई अधिकार नहीं है।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठती है, वो फैसला करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ना कोई फैसला था पिछले कॉन्ट्रैक्ट को, टेंडर को रद्द करने का, ना ही प्राइम मिनिस्टर को कोई अधिकार दिया था कि आप वहां पे जाके इस पे कोई दूसरी बात करें। मेरा चौथा सवाल, तीसरा तो ये था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये जवाब दे कि उसकी बैठक हुई थी, उन्होंने इनको अधिकार दिया था और पिछला टेंडर रद्द किया था, ये देश जवाब मांग रहा है। चौथी बात, उससे कुछ दिन पहले और कुछ महीने पहले का घटनाक्रम जरूरी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को अगले साल के लिए हमारे लाऊंगा, उसमें भी फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय के बुलाए गए थे, पर कुछ दिन पहले एक कंपनी रजिस्टर की जाती है, रिलायंस एरोस्पेस और रिलायंस डिफेंस के नाम से एक और कंपनी, एक और प्राइवेट सेक्टर की रजिस्टर की गई जो भी प्रधानमंत्री के बहुत करीबी। ये दोनों उद्योगपति प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जो 10 अप्रैल को पेरिस के अंदर। प्रश्न ये है कि कैसे किसी बाहर के व्यक्ति को पता लगा कि श्री नरेंद्र मोदी वहां जाके फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करके HAL को बाहर निकाल देंगे। किसी को नहीं पता, HAL को बाहर निकाल देंगे, 108 जहाज जो देश में बनने हैं वो नहीं बनेंगे, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो HAL को मिलनी थी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, टेंडर के मुताबिक, शर्त के मुताबिक, वो प्राइवेट कंपनी को मिलेगी। कंपनी तो तभी रजिस्टर की जाती है कि आपको जानकारी मिली, जानकारी किसने दी? मेरा सीधा आरोप है ये जानकारी केवल प्रधानमंत्री के पास थी कि वो क्या करने जा रहे हैं, किसी और को, उनके मंत्रियों को भी जानकारी नहीं थी। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का प्रधानमंत्री ने उल्लंघन किया एक प्राइवेट उद्योगपति को यह बताकर कि HAL को बाहर कर देंगे और आप अपनी कंपनी बना लो। ये अचानक नहीं हुआ, जो दशकों से लोग व्यापार में हैं उनको अचानक कैसे सपना आया कि हमको ये कंपनी बनानी है और ये काम करना, ये सवाल है। उसके बाद जो फैसला हुआ वो कीमत 523 करोड़ से बढ़ के अब जो सामने आई है 1670 करोड़, 3 गुना से ज्यादा। इस सरकार ने जो अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री कि गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसलिए हम बता नहीं सकते, इसी सरकार के मंत्री, रक्षा मंत्री ने, पिछली सरकार की नहीं, 2016 दिसंबर में और अभी अप्रैल महीने में भारत की संसद को बताया कि 670 करोड़ में वो जवाब हम आपको देंगे। इसी सरकार के मंत्री राज्यसभा लोकसभा को बताते हैं कि 670 करोड़ कीमत है, और कुछ हफ्ते के बाद यही देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं हम बता नहीं सकते, तो गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। तो पहले क्यों बताया था? वो जवाब नहीं देते तब भी बता देते कि, पर कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए आ गई कि वो 670 करोड़ की जगह 1670 है। अब गलती से तो संसद के अंदर इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि 1000 करोड़ अलग अलग समय, अलग अलग बरस में दोनों सदनों को आप गलत बता दें।